विवादों में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। बिना किसी तथ्य के सनसनी फैलाने वाले आरोप लगाना अब संजय राउत के लिए महंगा पड़ सकता है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने मेधा सोमैया मानहानि मामले में कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। संजय राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाला में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। उनके आरोपों को मेधा सोमैया ने खारिज कर दिया था। उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। शिवडी के सिटी मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया। 2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाला का आरोप लगाया था। और अब संजय राउत अदालत में पेश होंगे और जमानत के पात्र हैं क्योंकि उन्हें 15 दिन की जेल भी हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता मेधा सोमैया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है और मेरे परिवार पर आरोप लगाते हुए बच्चों को निशाना बनाया गया। मैं वैसे ही लड़ी जैसे एक सामान्य शिक्षक लड़ता है। मेधा सोमैया ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूँ। संजय राउत पर IPC की धारा 499 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मेधा सोमैया ने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने उन पर मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों में निर्माण और रखरखाव को लेकर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि मीडिया में आरोपी द्वारा दिए गए बयान मानहानिकारक हैं। बयान आम जनता की नज़रों में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं। मीरा भाईंदर शहर में कुल 154 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। 16 शौचालय बनाने का ठेका बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के साथ यूथ फाउंडेशन को दिया गया था। जाली दस्तावेज जमा करके उसने मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकारियों को धोखा दिया। संजय राउत ने उन पर 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के टॉयलेट स्पिल लेने का आरोप भी लगाया है। उस वक्त राउत ने कहा था कि शौचालय घोटाला पर्यावरण खराब होने के आधार पर किया गया है। राउत ने देवेंद्र फडणवीस से भी जवाब देने की अपील की थी। फिर राउत बनाम सोमैया मामला कोर्ट में पहुंच गया। मेधा सोमैया अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए मुंबई के शिवडी कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने संजय राउत पर मानहानि का दावा भी करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।